तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जो हमारे पास हैं ये ईयरबड्स जो अभी फ्लिपकार्ट की सेल में काफी कम प्राइस में मिल रहे हैं। इस ईयरबड्स का नाम है नॉइस बर्ड्स VS 102 आपका प्लस, जो काफी बढ़िया ईयरबड्स हैं। इन्हीं ईयरबड्स की आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे कैसी आपको इस ईयरबड्स की क्वालिटी मिलती है और कैसे ये ईयरबड्स मिलते हैं वो सब देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए और चलते हैं वीडियो की ओर और चेक कर लेते हैं कैसे क्या ईयरबड्स मिल जाते हैं आपको नॉइस के। ये ईयरबड्स की क्वालिटी कैसी है ये मैं लास्ट में बताऊंगा पूरे ईयरबड्स को टेस्ट वगैरह करने के बाद। तो चलते हैं वीडियो की ओर फटाफट। तो फटाफट कर लेते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और ये देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का जो बॉक्स है उसे हमने कर लिया है अनबॉक्स। देख सकते हैं बॉक्स ओपन हो चुका है। बॉक्स के ओपन होते से ही देख सकते हैं हम इस बॉक्स की करेंगे अनबॉक्सिंग और ये जो हमारा फ्लिपकार्ट का बॉक्स है वो खाली है पूरी तरीके से। बाकी आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं बर्ड्स VS 102 प्लस हमारा जो इसका नॉइस का जो मॉडल है उसका नाम है, ठीक है ना। बाकी बैटरी वगैरह काफ़ी अप बताई गई है। बाकी आपका जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया है पूरी तरीके से। अब जो है फटाफट जो हमारा बॉक्स है उसे हम कर लेते हैं ओपन। साथ ही साथ इसकी प्राइस के बारे में बात कर ली जाए तो देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर जो प्राइस है। अब इसकी प्राइस के बारे में बात कर ली जाए तो बॉक्स के ऊपर जो प्राइस है वो 3999 यानी 4000 रुपए का जो ये बॉक्स है फ्रेंड्स, सेल के अंदर ये जो ईयरबड्स है वो हमें 999 रुपए में मिल गए, ठीक है ना। बाकी प्राइसिंग इसकी आपने देखी ली होगी, इसकी प्राइस है 3999 जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फटाफट ओपन कर लेते हैं इस बॉक्स को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स हो चुका है ओपन। बॉक्स को ओपन कर लिया, देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। देख सकते हैं इसका जो ऊपर वाला बॉक्स हमने जो है खोल दिया है, इसके अंदर सबसे पहले हमें मिलते हैं जो हमारे ईयरबड्स हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह के ईयरबड्स हैं। ईयरबड्स की क्वालिटी भी अभी हम चेक करेंगे और पहले मैं जो ईयरबड्स है इसको बाहर निकाल लेता हूँ। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये जो पन्नी है इसके अंदर से बाहर निकाल लिया और ईयरबड्स देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और ओपन कर लेते हैं बॉक्स के अंदर, देख लेते हैं और क्या क्या आइटम हमें मिल जाता है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये एक और छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, और एक ये रिंग है जिसके अंदर हमारा जो ईयरबड्स तो फिट हुए थे। बाकी ये देख सकते हैं कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं नॉइस के जो इसके अंदर आए हैं साथ में, ठीक है। कुछ हमें यूज़र मैनुअल गाइड मिल जाता है नॉइस का जो देख सकते हैं इसी बॉक्स के अंदर आया। अब जो ये सिर्फ छोटा वाला बॉक्स है, बाकी जो पूरा बॉक्स है वो खाली हो चुका है। छोटा वाला जो बॉक्स है उसको भी हम जो है ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। छोटे वाले बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं आपको क्या मिलता है। छोटे वाले बॉक्स में सबसे पहले आपको ईयर प्लग मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके जो ईयरबड्स हैं उसके जो अंदर जो ईयर प्लग है वो जब ख़राब हो जाएंगे तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्या मिलता है, इसके बाद आपको इसके अंदर एक डेटा केबल मिल जाती है, ठीक है ना, टाइप ए टू टाइप सी आपको डेटा केबल मिल जाती है जिससे आप अपने ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं। उसको चार्ज करने के लिए एक डेटा केबल मिल जाती है टाइप ए टू टाइप सी आपको। ये पूरा आइटम है, आप इन सबको हटाते हैं और जो हमारा बॉक्स है नॉइस का इसके ऊपर आ जाते हैं ईयरबड्स पर। तो देख सकते हैं आ गए हैं ईयरबड्स पे और देख सकते हैं हमने हमारे जो ईयरबड्स हैं इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं फुल्ली ब्लैक है, काफ़ी बढ़िया है, बॉडी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और पीछे से देख सकते हैं पीछे से कुछ नहीं है, नीचे आपको देख सकते हैं पोर्ट दिया गया है चार्जिंग पोर्ट जिससे आप अपने ईयरबड्स के जो बॉक्स है उसको आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में ईयर प्लग भी आपके चार्ज हो जाएंगे। बाकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सामने जो है नॉइस का लोगो दिया गया है, ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। जो इसके ईयरबड्स है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ईयरबड्स देख सकते हैं बाहर निकाल दिया, ईयरबड्स दोनों आपको ईयरबड्स दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों ईयरबड्स के अंदर दिखाई दे रहा है वो आपको ईयर प्लग लगे हुए हैं। इन दोनों ईयरबड्स के अंदर आप देख सकते हैं ईयर प्लग लगे हुए हैं। अगर ये ईयर प्लग ख़राब हो जाते हैं बाई चांस तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से निकाल कर, और जो उस पैकेट में नए चार ईयर प्लग और हैं उसमें से आप एक इसमें लगा सकते हैं तो एक्स्ट्रा आपको ईयर प्लग भी मिल जाते हैं। और देख सकते हैं इसके अंदर आपको चार ईयर प्लग मिलते हैं जिसका आप यूज़ करके अपने जो ईयर प्लग है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको कनेक्ट करते हैं हमारे फ़ोन से और देखते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो ब्लूटूथ है उसको एक्टिव कर लेना। ब्लूटूथ को एक्टिव करने के बाद सर्च करना है, पहले इसको बाहर निकाल लेना है जो आपका आपके जो ईयरबड्स हैं इसके अंदर से जो है दोनों एयरफोन्स को बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद देख सकते हैं सर्च में आ जाएंगे नॉइस बर्ड्स VS 102 प्लस, और जैसे ही इसमें सर्च पे आ जाएंगे फिर पेयरिंग के लिए चले जाएंगे। तो आपको थोड़ी देर करना है वेट, और जैसे ही पेयर हो जाएंगे आपके जो ईयरबड्स से वो कनेक्ट हो जाएंगे, आपके जो ईयरफोन से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं पेयरिंग कनेक्टिंग का ऑप्शन आ चुका है, पेयर कर दिया हमने और हमारा देख सकते हैं जो हमारा ईयर प्लग है वो सबसे ऊपर है, जो हमारे ईयरबड्स है वो कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट होने के बाद ये आपको बैटरी वगैरह भी शो करेगा कि आपकी जो बैटरी कितनी है, 70% अभी जो है बैटरी बता रहा है। ठीक है, अब हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, अब हम इसके अंदर कोई सा भी सॉन्ग वगैरह प्ले करेंगे तो इसके अंदर बजेंगे। तो अब हम फटाफट इसके अंदर सॉन्ग प्ले कर लेते हैं और सुन लेते हैं सॉन्ग कैसी क्या क्वालिटी है वो सब हम चेक कर लेंगे। बाकी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो ये एयरफोन है मेरे जो है लेफ्ट राइट दोनों कानों में लगा लिए हैं और साउंड को मैंने कर लिया है प्ले। अब सुनते हैं इसकी साउंड क्वालिटी भी, काफ़ी देर तक मैंने इसकी साउंड क्वालिटी सुनी और अभी देख सकते हैं काफ़ी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी। मैं आपको भी सुना देता हूँ अगर बाहर तक आ रही है तो। अगर थोड़ी बहुत भी आपको आवाज आ रही है तो आप सुन सकते हैं। काफी सही फिटिंग है, हमारे कानों में अच्छे से फिट हो गया है, देख सकते हैं कान में लगाने के बाद। इसको लगा गिराने की कोशिश करी, एक तो गिर गया, सही से टाइट से लगा लेता हूं। तीन चार बार करने पे नहीं गिरा, अगर आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो गिर जरूर जाएगा, बाकी इससे ज़्यादा कोई अच्छे से फिट हो गए हैं हमारे जो ईयरबड्स हैं। बाकी साउंड की बात करें तो देख सकते हैं साउंड वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा फ़ोन में, मैंने बिल्कुल साउंड कम कर दिया, बिल्कुल कम साउंड कर दिया, काफ़ी कम क्वालिटी साउंड क्वालिटी आ रही है, फिर स्लो में जो साउंड बढ़ा रहा हूँ और देख सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आपके ईयरबड्स है इससे आप काफ़ी चीज़ें कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं कान के पीछे मैं जैसे जैसे आप कर रहा हूँ अगर आपको सुनाई दे रहा है तो इसमें भी आप सुन सकते हैं। देख सकते हैं इससे पॉज भी हो जाएगा, अगर दो बार टैप करेंगे तो पॉज हो जाएगा और दो बार टैप करेंगे तो फिर से प्ले हो जाएगा। मैं साउंड कम करके देख रहा हूँ, अगर आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा तो लेफ्ट से जो है साउंड कम हो जा रहा है। ठीक है जी, हमारे लेफ्ट वाले ईयरबड्स हैं, इससे जब मैं साउंड जो है नीचे या ऊपर कहीं पे भी प्रेस कर रहा हूँ तो इससे साउंड जो है वो कम हो रहा है और इससे पॉज भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं राइट वाले से अगर ऊपर नीचे कहीं भी कर रहा हूँ तो मेरा जो साउंड है वो इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हैं। आप साउंड जो है अपने ईयरबड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ्ट वाले को कम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से चाहे तो कम कर सकते हैं, राइट वाले से अप कर सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स आपको मिल जाता है इस नॉइस के ईयरबड्स में। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बेस काफ़ी अच्छी है, बम्प की बेस है, इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी सही है ईयरबड्स, आप ले सकते हैं और अभी सेल चल रही है इस वजह से मुझे इस प्राइस पॉइंट में मिल गई है एयरफोन। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।